मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आई और स्कूल का काम इतना ज़्यादा है कि मुझे हो गई थी टेंशन। और आज छुट्टी है स्कूल की, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, लेकिन इस सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा ही काम है तो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ ताकि मैं अभी काम निपटा लूँ कुछ अपना, कुछ फिर काम घर का काम करने के बाद निपटा लूँगी, कुछ रात को निपटा लूँगी। ऐसे ऐसे करके मैं कोशिश करूँगी कि आज निपटा लूँ और कल का दिन मैं अपने बेटे के साथ अच्छे से स्पेंड करूँ। तो घर का काम भी और स्कूल का काम भी मैं आज ही निपटाने वाली हूँ। सो गाइस, इसीलिए मैं उठ गई हूँ जल्दी और मैं आपको अपडेट देती हूँ मेरे दर्द की। दर्द जो पहले यहाँ था ना, वो यहाँ पे वोलिनी वगैरह लगाने से और थोड़ा सा दवाई वगैरह लेने से ना वो शिफ्ट हो के यहाँ आराम हो गया है और ये यहाँ हो गया। देखिए ये हाथ है ना, इससे ऊपर नहीं उठ रहा है, ये बस यहाँ आकर के अटक रहा है, यहाँ बस इतना। और देखिए इतना काम है और राइट हैंड, और देख लो अभी यहाँ आके अटका है। लेकिन काम तो करना है, इसीलिए मैं अपना टाइम से लग गई हूँ ताकि धीरे 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 कुछ भी हो लेकिन मैं 2 दिन के अंदर ये काम निपटा दूँ। और कल मुझे हल्का हल्का था लेकिन यहाँ पूरा आराम था, तो मैं बहुत खुश थी रात तक कि मेरा ये वाला ठीक हो गया। हाँ, मैं ये भी सोच रही थी कि मैंने इस हाथ से तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्या है कि इसमें हल्का हल्का दर्द है, लेकिन अब सुबह से उठी हूँ ना, ये हाथ मेरा उठ नहीं रहा है। देखो ये काम है यार, क्या पता नहीं कौन से वाला दर्द है ये। अब मैं यहाँ लगाऊंगी तो ये कहाँ शिफ्ट होने वाला है कि जाने वाला है, अब इससे कौन पूछे। ठीक है गाइस, करते हैं काम ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए खत्म। सोचा था रात को कि है ना कल थोड़ा लेट ही उठूंगी, थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, लेकिन मेरी ऐसी हैबिट है कि काम पड़ा है तो नींद ही नहीं आती है, कुछ भी कर लूँ मैं। ठीक है गाइस, फिर काम। पांच घंटे का काम है तो वो अभी तो होने से रहा, उल्टा मेरा काम लेट हो जाएगा। तो मैं पहले काम करती हूँ क्योंकि मुझे आज कपड़े वगैरह भी, जो सैटरडे को, हर सैटरडे वगैरह को मैं बेडशीट वगैरह ये वो जो भारी कपड़े होते हैं ना वो सब, और क्या करती हूँ एक दो दिन कोशिश करती हूँ कि मैं धो के जाऊँ या फिर देखो लेट हो जाते हैं। तो अभी 2 दिन से मौसम भी ऐसा था थोड़ा सा, मेरे कपड़े नहीं, मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि वो मेरे कपड़े मैं धो के गई थी, भीग गए थे। फिर यार मुझे थोड़ा ऐसे ही हुआ, मैंने कहा रहने दो यार वही सुखाओ, फिर अंदर सारे घर में आपने वीडियो में देखा होगा कपड़े कपड़े टंगे रहते हैं, फिर वो घर में ना थोड़ा मैसीपन लगता है सफाई करने के बाद भी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि छोड़ो यार, सैटरडे को धो लूँगी, मशीन लगा लूँगी। तो अभी मैं लगाती हूँ गाइस मशीन। तो गाइस आइए घर के काम में लगते हैं। वंश अभी सो रहा है, वो उठ के भी बेचारा क्या करे, देखो और दिन तो उसको जल्दी उठना ही होता है ना। तो देखो मैं 5 बजे उठती हूँ तो मैं उसको 5:30 के बाद तो मैं उस पर बेड पे नहीं रहने देती हूँ ताकि वो आराम से, एक होता है ना कि बच्चा भगदड़ भगदड़ में तैयार होके जाए और एक होता है आप रिलैक्स आराम से तैयार होके जाओ। तो मैं उसको 5:30 लास्ट होता है उसका बेड पे उठा ही देती हूँ। तो आज मैं सोचती हूँ छुट्टी वाला दिन है तो थोड़ा सा सो लेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर बाद में। इतना परेशान कोई करता है क्या? ये कैसा दर्द है, एक इधर फिर इधर। मैं सोच रही हूँ ना। ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ मैंने देखिए मशीन लगा दी है, सुबह सुबह पानी आया है तो मैंने पानी आते ही पहले मशीन लगा दी है और कुछ बाल्टी पानी यहाँ भर के रख लिया है ताकि मैं कपड़े निचोड़ सकूँ, क्योंकि टंकी है थोड़ी छोटी तो फिर दिक्कत आ जाती है। मैं दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा पानी मैंने कर लिया है स्टोर, तो अभी साथ के साथ मशीन लगाऊंगी और साथ के साथ करूंगी घर का काम।
अब गाइज अपने कबूतरों को डाल देते हैं खाना। गाइज मैंने आज ना थोड़ी सी उनकी ना जगह चेंज की है। पहले मैंने ये देखने के लिए ना जाली में से इधर सामने ही दाने डाले थे, तो लेकिन अब क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जैसे मुझे काम होता है बालकनी में, मतलब बालकनी बोलती हूँ, जब मुझे काम होता है बाहर की साइड और मैं गेट खोलती हूँ ना, तो वो बेचारे सारे उड़ जाते हैं डर के मारे। तो मैंने आज थोड़ा ना पीछे की साइड उसको दाने डालूंगी ताकि वो भी आराम से खाते रहें, और आज मेरा भी कपड़े वगैरह धोऊंगी सुखाऊंगी, बाहर का काम है तो मैं भी काम करती रहूं, उन्हें डिस्टर्ब ना हो। तो आज मैंने कर दिए यार जगह चेंज, तो आइए चलते हैं। एक और बात पूछनी थी गाइस, मुझे तो यही पता है कि बाजरा डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, अगर और भी कुछ डाल सकते हैं ना आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं लेके आऊँगी इनको डालने के लिए। तो आइए अब इनके लिए डाल देते हैं दाने। पानी मैंने पहले ही रख दिया है आज। मेरे पीछे का व्यू अच्छा आ रहा है ना गाइस, वो साइड वाली दीदी ने ना गार्डन बना रखा है, तो उनकी देखो बेल वगैरह कितने अच्छे से हो रही है ना, ग्रीन ग्रीन है ना, अच्छा लग रहा है। सो चलिए गाइस अब काम करते हैं कंटिन्यू। एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, चलो मैं बाहर आई गई हूँ, तो ये देखिए कड़ी पत्ता। पहले ना मुझे कड़ी पत्ता लेने के लिए ना मैं अपनी तरफ कैमरा करती हूँ पहले। यहाँ ना गाइज हमारे आर्मी एरिया के अंदर ना बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता वगैरह मिल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा जंगल एरिया टाइप, जंगल नहीं बोल सकते यार, जंगल थोड़ी ना होता है आर्मी में, मतलब ज़्यादा ही पेड़ वगैरह उगाए जाते हैं आर्मी में, और ये अच्छी बात है यार, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी रखते हैं ना, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस चीज़ पर कि हम ट्री प्लांटेशन करें। हर यूनिट में ये करते ही हैं, हर स्कूल्स में करते हैं, तो और कॉलोनीज़ में भी स्पेशली पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं, तो अच्छा है। और यहाँ पे ना मैंने देखा इस स्टेशन में कि बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता है, तो कड़ी पत्ता ना मैं लेने जाती थी ऐसे घूमते घूमते शाम को लेके आए, लेकिन इस बार ये अच्छा है कि देखिए मेरे घर में ही है, शायद जो दीदी पहले इस क्वार्टर में रह के गई है ना उन्होंने लगाया होगा, तो अब ना मुझे जाना नहीं पड़ता है, मैं यहीं से ले लेती हूँ, तो मेरे लिए कितना अच्छा हो गया ये देखिए, और काफ़ी बड़ा है ये देखिए, और अभी तो बारिश का मौसम है तो ये और अच्छे से ग्रो करेगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आइए गाइस करते हैं काम, मेरी टंकी भर गई है, टंकी मतलब गाइस आप ना इग्नोर करना मैं उल्टा उल्टा बोलूं, तो नल बंद कर देती हूँ एक बार, मेरी मशीन भर गई है, पानी के लिए मैंने इसमें पाइप लगाई थी ना, तो मेरी मशीन भर गई है, बाल्टी भी भर ली है, तो पानी का काम यहाँ पे हो गया है। आज वैसे गाइस मेरा मन था कि मैं थोड़ी गाड़ी धोऊं, देखो आज ऊपर से तो भगवान जी धो देंगे मुझे लग रहा है, बारिश आएगी, अंदर वाला मटेरियल मुझे लग रहा है मैं निकाल के ले आती हूँ और यहीं बैक साइड में बैठ के धो के सुखा देती हूँ, है ना, लाइट वगैरह नहीं जलाई, इसी रूम में आती हूँ मैं, तो पहले ये गाड़ी वाला काम भी कर देते हैं चलते पानी में। सो गाइस अभी मैंने सोचा है कि मैं धो लेती हूँ अपनी गाड़ी, पहले मैंने सोचा था अंदर अंदर का वही धोती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं घर पर हूँ तो धो ही देती हूँ, तो मैंने लगा ली है पाइप, और ये रही मेरी गाड़ी, थोड़ा सा बैक करके ना, बैक करके मैं इसको थोड़ा घर के आगे ले आती हूँ ताकि पानी उस साइड ना जाए दूसरे क्वार्टर तक, मेरे क्वार्टर में ही रहे, ठीक है गाइस। फिर अभी मैं एक बार पाइप अंदर से लगा के आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं गाइस। अभी मैं किचन में पाइप लगाने आई ना, तो देखिए मैंने क्या देखा, ये आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए आ गए हैं ना, कितना अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इनको देख के, ये देखिए कैसा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है ना। सो गाइस
हाँ, और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। तो मुझे दाने रखते हुए देखकर और ऐसे कबूतरों को आते हुए देखकर मेरी एक नई फ्रेंड बनी है। मेरे पीछे वाली, मेरे क्वार्टर के पीछे की साइड ना, बैक साइड में जो दीदी है ना, तो उन मेरा दरवाजा भी बैक साइड खुलता है क्वार्टर का, और उनका भी बैक साइड खुलता है। तो हम काम करते हुए ना आपस में बातें कर लेते हैं। तो गाइज, उन्होंने मुझे देखा ना कि ऐसे कबूतर आते हैं और मैं दाने डालती हूँ, तो एक अच्छी चीज़ हुई है गाइस, उन्होंने भी दाने डालना शुरू कर दिया है। और अभी सुबह सुबह हमारी बात हो रही थी तो वो मुझे बोल रही थी कि दीदी बहुत अच्छा लगता है आपसे, एक नई चीज़ सीखी मैंने। सो यार अच्छा लगा, आप भी कीजिए यार, आप देखोगे ना बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके उधर है ऐसे। ठीक है, ओके गाइस। और यार आपसे बात करने में मैं भूल ही गई कि मुझे पाइप लगानी है। पता है गाइस, जैसे ही मैंने ब्लॉगिंग बंद की ना अभी अभी, जैसे मैंने बोला कि भूल गई मैं पाइप लगाने, वैसे ही इसके पापा का कॉल आ गया और फिर मैं उनसे बात करने लगी, और इस बीच में गाइस पानी चला गया। और जो मैंने पूरी सेटिंग बिठाई थी ना पाइप लगा के अच्छे से गाड़ी धोऊंगी, वो मेरा हो गया है फेल आइडिया। तो अब मैं गाड़ी तो अभी भी मैं धोऊंगी क्योंकि मैंने पाइप लगाई है यार, इतनी मेहनत की है। तो ऐसा नहीं है, हाँ कम पानी यूज़ करेंगे और अच्छे से गाड़ी धोएंगे। तो अभी मैं एक बकेट भी लेके जाती हूँ, बकेट में थोड़ा पानी स्टोर करके ऐसे ऐसे धो दूंगी। तो आइए गाइस पहले धोते हैं गाड़ी। पहले गाइस गाड़ी को बैक कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैंने गाड़ी को बैक करके थोड़ा अपने क्वार्टर की साइड कर लिया है और अब धोते हैं गाड़ी। गाड़ी वगैरह धो दी है, गाड़ी स्कूटी साइकिल सब धो डाला आज मैंने, देखिए बिल्कुल चकाचक कर दिया है मेरी गाड़ी। ये देखिए गाड़ी, ये मैंने धो डाली है, स्कूटी वाइट वाली है ना, वो है वंश की साइकिल। और गाइस ये देखिए आगे से भी पूरा एकदम धो धा के क्लीन कर दिया है मैंने अपना एंट्रेंस। तो अब गाइस करती हूँ मैं अंदर का। सो गाइस अब करते हैं अंदर का काम जो सारा ही पड़ा है। मैं धोने चली थी गाड़ी के अंदर का, फिर गाड़ी, फिर स्कूटी, फिर साइकिल, फिर सब धो डाला। हाँ तो गाइस चलिए ये काम तो हुआ, क्योंकि ये काम मैं सैटरडे संडे के अलावा तो नहीं कर पाऊँगी, तो फाइनली आज हो ही गया। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए इतनी देर में मैं जब तक गाड़ी वगैरह धो के आई हूँ ना, ये देखिए कबूतरों ने सारे दाने चुग लिए हैं। मैंने खिड़की से इन्हें देखा था, वाह आपने, आपको भी दिखाया था ना, तो ये देखिए एक दाना नहीं, इतना क्लीन कर देते हैं। तो गाइस गाड़ी धोने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं कि मैंने मशीन में कपड़े भी नहीं डाले हैं। तो अभी मैं मशीन में कपड़े डालती हूँ धुलने के लिए, और
साथ ही साथ अंदर की सफाई, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना पीना, तो ये मैं आप मेरे व्लॉग्स में देखते ही रहते हैं, कोई नई बात है नहीं। सो गाइस ठीक है, इसीलिए करते हैं आज के व्लॉग का यहीं एंड, मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए बालाजी फैमिली व्लॉग्स। बाय बाय।